नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखने के कुछ घरेलू नुस्खे। हाई ब्लड प्रेशर यानी हाइपरटेंशन एक गंभीर बीमारी है जो गलत लाइफस्टाइल और खानपान के कारण आजकल काफ़ी देखने को मिलती है। हाइपरटेंशन के कारण शरीर के अंगों तक ऑक्सीजन और अन्य जरूरी तत्व पहुँचाने वाले ब्लड वेसल्स नष्ट हो जाते हैं, जिससे दिल व किडनी रोग का खतरा बढ़ जाता है। हालांकि लोग दवा के जरिए ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन आप देसी नुस्खे से भी इससे छुटकारा पा सकते हैं। क्या है हाइपरटेंशन? हाइपरटेंशन यानी उच्च रक्तचाप की वो स्थिति जब धमनियों में खून का प्रवाह व दबाव काफ़ी हद तक बढ़ जाता है, शरीर में खून का दौर तेज हो जाता है। सामान्य रक्तचाप की रेंज 120 से 80 mmHg होती है, लेकिन जब यह स्तर बढ़ता है तो इसका असर ब्रेन, किडनी, दिल और आँखों पर पड़ना शुरू हो जाता है। ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के कुछ घरेलू नुस्खे। तो सबसे पहले, यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो आप चैनल को वीडियो को लाइक ज़रूर करें ताकि हम लोगों का मोटिवेशन बढ़ता रहे, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। लौकी का जूस। सुबह खाली पेट रोज लौकी रस से हाई ब्लड प्रेशर की समस्या नहीं होती। इसके अलावा इससे दिल और डायबिटीज की बीमारी भी दूर रहती है। प्याज का रस। प्याज के रस में एक चम्मच शुद्ध देसी घी मिलाकर खाने से इस बीमारी में आराम मिलता है। और इसके अलावा रोजाना तांबे के बर्तन में रखा हुआ पानी पीने से भी बीपी कंट्रोल रहता है। काली मिर्च। ब्लड प्रेशर बढ़ने पर आधा गिलास गर्म पानी में काली मिर्च पाउडर मिलाकर दो घंटे बाद इसका सेवन करें। शहतूत। रोज 25 ग्राम शहतूत का जूस मिलाकर सुबह पिए रोजाना इसका सेवन इस समस्या को दूर करने में मदद करता है। आंवले का रस। एक चम्मच आंवले के रस में थोड़ा सा शहद मिलाकर सुबह शाम पिए, इससे हाई ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहेगा। दालचीनी। आधा चम्मच दालचीनी का पाउडर को रोज सुबह गर्म पानी के साथ लें, इससे हाई ब्लड प्रेशर की परेशानी खत्म हो जाएगी। नींबू का रस। बढ़े हुए ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने के लिए आधा गिलास पानी में नींबू निचोड़ लें, फिर इससे दो घंटे के अंतर से पीते रहें, इससे काफ़ी फायदा मिलेगा। साथ ही ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखने के लिए रोज़ाना व्यायाम करें और तनाव से दूर रहें। इसके अलावा 6 महीने में एक बार बीपी का चेकअप जरूर करवाएं। याद रखें कि हाई बीपी में हाई हार्ट, किडनी व शरीर के अन्य अंग काम करना बंद कर सकते हैं, इसलिए बीमारी को गंभीरता से लें। दोस्तों, ये था आज का हमारा वीडियो। अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो से फ़ायदा उठा सकें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।